सरकार के झूठे वादों और दिलासों से अब थक चुका हूँ मैं। फसल के सही दामों की आस लिए अब ऊब चुका हूँ मैं। बढ़ते कर्ज के बोझ तले हार मान चुका हूँ मैं। जा रहा हूँ अब मौत को गले लगाने। ऐ मेरे कांग्रेस के नेताओं, अगर गद्दी को लेकर तुम्हारी छींछा लेना खत्म हो गई हो तो जरा मेरी मौत पर भी गौर कर लेना। नमस्कार। तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी इतने उफान पर आ गई है कि पूछिए ही मत। मध्य प्रदेश की गद्दी संभालते ही कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा कर तो दी, लेकिन धरातल पर उसका अमल कितना हो रहा है यह किसी से छुपा नहीं है। राजनीति भी बहुत अजीब है। लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना हो तो कोई कमलनाथ जैसे नेताओं को देखे। हवाबाजी, बड़बोलापन जैसी सारी पर्यायवाची कमलनाथ के लिए एकदम सटीक बैठती है। 36,000 करोड़ रुपयों की मदद से कमलनाथ जी ने यह तो ऐलान कर दिया कि वो किसानों के सारे कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन असलियत में ऐसा होता कुछ दिख नहीं रहा है। और इसका कारण है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा रखी गई 3 शर्तों की, जिसके चलते किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। किसानों के कर्ज माफी के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह भी दावा किया था कि छोटे और मार्जिनलाइज्ड किसानों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने की भी बात कही गई थी। कांग्रेस पार्टी ने अपना बड़बोलापन दिखाते हुए अपने घोषणा पत्र में यह तक उल्लेख कर दिया था कि राज्य के प्रत्येक बेरोजगार युवा को प्रतिमाह 10,000 रुपए दिए जाएंगे। यहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 23.7 लाख लोग इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ पंजीकृत हैं और बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकार के खजाने पर कुल मिलाकर 28,440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसलिए अगर राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी, बेरोजगारी लाभ और कई अन्य योजनाओं को लागू करने का फैसला करते हैं तो उन्हें एक बैंक को लूटना होगा, क्योंकि राज्य के खजाने में खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। राजस्थान की बकाया देनदारियां GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 27.57% है, जो कि अनिवार्य 25% से ऊपर है। तो इन सब आंकड़ों से एक बात तो जरूर साफ हो जाती है कि दोनों राज्यों की सरकार किसी भी प्रकार से चुनाव के दौरान किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पाएगी और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह किया है। वास्तव में उन्हें किसी भी फैसले तक पहुंचने से पहले राजकीय कोष का आकलन कर लेना चाहिए था और जल्दबाजी करने के बजाय कुछ समय के पश्चात वादों को पूरा करने के लिए कदम उठाना चाहिए था, जिससे उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपने विचार हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।